इसराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम हो गया है। चौतरफा अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते इसराइल को बिना शर्त गजा और वेस्ट बैंक पर हमले रोकने पड़े। इस युद्ध के दौरान 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जिनमें ज्यादातर फिलिस्तीनी नागरिक थे। हालांकि सीज फायर के बाद इसराइल और हमास दोनों अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इसराइल के साथ 11 दिन तक चली जंग के बाद हमास के लड़ाकों ने शनिवार को गाजा सिटी में राइफलें लहराकर शक्ति प्रदर्शन किया और हमास के शीर्ष नेता पहली बार सार्वजनिक रूप से निकलकर सामने आए। सेना की वर्दी पहने हमास के सैकड़ों लड़ाकों ने सड़कों पर परेड निकाली और लड़ाई के दौरान अपने सीनियर कमांडर बासित ईसा की मौत पर शोक जताया। गाजा में हमास के शीर्ष नेता यहया सिनवार को लड़ाई शुरू होने के बाद से पहली बार सार्वजनिक रूप से इस जश्न के दौरान जुलूस में देखा गया। शनिवार को पूरी तरह से सीजफायर का पहला दिन था। दुनिया के तमाम बड़े देशों के साथ ही यूएन और मुस्लिम देशों के संगठन की तरफ से लगातार इसराइल और हमास से संघर्ष विराम की अपील की जा रही थी। फिर शुक्रवार को मिस्र के प्रस्ताव और अंतर्राष्ट्रीय दबाव में इसराइल युद्ध विराम पर सहमत हुआ। इस दौरान मिस्र की तरफ से मध्यस्थता कर रहे अधिकारियों ने सीज फायर को टिकाऊ बनाने के लिए बातचीत की। 11 दिन की लड़ाई के दौरान इसराइल ने गाजा में हमास के सैकड़ों ठिकानों को निशाना बनाया था। इधर इसराइल ने गाजा में हवाई हमले किए तो हमास और बाकी समूहों ने इसराइल की तरफ 4000 से ज्यादा रॉकेट दागे। इस लड़ाई में इसराइली हवाई हमलों और बमबारी में तकरीबन 250 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए, जबकि हमास के रॉकेट हमलों में इसराइल के एक सैनिक और 10 नागरिकों की मौत हुई, जिसमें एक बच्चा भी शामिल था। अब संघर्ष विराम के बाद इसराइल और हमास दोनों अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इस खबर पर अपनी राय ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।